जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थकों के लिए एक बुरी खबर है। धनंजय सिंह ने जो याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई होने वाली थी। उन्होंने याचिका डाली थी कि सज़ा उनकी रद्द की जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन आज जो है समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अब यह सुनवाई होली के बाद होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके समर्थकों की होली जो है वो भी बेरंग हो रही है। चुनावी होली तो बेरंग हो ही गई थी और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये होली का त्यौहार भी जो है वो भी फीका पड़ने वाला है, क्योंकि अब सुनवाई होली के बाद होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कंवर दीपू जी, हम इनसे ही चर्चा करेंगे। दीपू जी, कहीं ना कहीं ये एक बुरी खबर है उनके समर्थकों के लिए। देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है और आपको पता है कि त्यौहार का समय है और ये इसको बुरी खबर तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, निराशा उनको ज़रूर हुई होगी और आने वाले समय में क्या होगा ये तो कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता है क्योंकि 7 साल की सज़ा हुई है और ऐसे मामले में हुई है तो कोर्ट ये सारी चीज़ें देखती है कि प्रोसीडिंग होती है, उस प्रोसीडिंग में काफ़ी समय लगता है। आपको मालूम होगा कि अफजल अंसारी जो कि गाजीपुर के सांसद थे, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था और लंबी प्रक्रिया कानूनी जो होती है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन किसका मामला है, तो थोड़ा सा निराशा है उन लोगों को, लेकिन अभी सभी रास्ते खुले हुए, विकल्प खुले हुए हैं, विकल्प खुले हैं। और जैसे अगर बात की जाए तो लगातार आप भी देख रहे हैं राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा आ रही है कि उनकी पत्नी श्रीकला जो है वो सपा से आ सकती है मैदान में, लेकिन किसी तरह की बयान जो है उनके परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से ऐसा नहीं आया, फिर भी ये जो है चर्चाएं जो है हो रही हैं बड़ी तेज़ी से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव का मौसम जो है बदलता रहता है, चर्चा जनता करती रहती है क्योंकि गांव चक्की चौराहे चाय की दुकानों पे यही चर्चा हो रही है और यही नहीं देश में ही चर्चा हो रही, विदेशों में भी चर्चा यहाँ जौनपुर की हो रही है क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल में है। तो आपको पता है कि राजनीति में होती रही, लेकिन आप ये मानिए कि श्रीकला धनंजय सिंह इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष ज़िले की प्रथम महिला नागरिक हैं, वो तो एक बड़ा पद ऑलरेडी उनके पास है। अभी विकल्प क्योंकि खुद पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के खुद खुले हुए हैं तो अभी इस पर नहीं कहा जाता कोई कुछ जल्दीबाजी हो। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, ना तो वो समाजवादी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली है तो ना ही कोई ऐसी चर्चा है। हाँ, यह है कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात जब पूर्व सांसद धनंजय सिंह की हुई थी तो एक चर्चा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर फर्जी जो है तो लेटर भी जारी हो गया तमाम, तो ऐसी चीज़ों से सावधान होना चाहिए लोगों को क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ा संगठन है, एक एक सीट पर वो भी चर्चा है, उनका भी एक संगठन है, यहाँ पे ज़िले पर हैं, यहाँ पे लोग सांसद हैं, इनके पूर्व सांसद कई पूर्व सांसद हैं, विधायक यहाँ पर हैं, तो चर्चा करते चर्चा करने के बाद निर्णय वो लेंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन को गया। फिलहाल अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, यह है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस पर देखेंगे कैसे वो अपनी राजनीतिक जो यहाँ जमी है कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। फिलहाल जो समर्थक हैं उनके कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर वो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी पत्नी चुनाव। आपने देखा वो कुछ मीडिया चैनल्स में चल रहा था कि उनके पिताजी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि बहुत दूर दूर की बात है। पिताजी तो खैर सक्रिय राजनीति में अब नहीं है, उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है। तो चर्चा है, चर्चा को बाजार चलता रहेगा। अभी 2 महीने का समय है यहाँ पे, आपको पता है कि 1 महीना भी लगेगा नोटिफिकेशन होने में यहाँ पे, तो अभी काफ़ी ऐसे चर्चा चलती रहेगी। अच्छा, अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ बीजेपी ने ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का भी कोई प्रत्याशी नहीं आया है, बसपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, क्या लगता है किस चीज़ का इंतजार कर रहे होंगे अभी पार्टी के? देखिए, क्योंकि यहाँ पे 6ठे फेज में इलेक्शन है और यहाँ 25 मई को यहाँ पे मतदान होगा, तो एक काफ़ी समय गैप मिल गया है और आप देखे होंगे जौनपुर में जब भी टिकट डिक्लेरेशन हुआ है विधानसभा में भी लास्ट मोमेंट में हुआ है और ये बसपा यहाँ से सांसद यहाँ पे श्याम सिंह यादव बसपा के सांसद थे, तो इंडिया गठबंधन एक एक चीज़ फूक फूक के कदम रख रही है, इसलिए रख रही है कि जो मोदी जी का 370 का मिशन है वो बनारस से शुरू होगा, खुद मोदी जी यहाँ से लीड कर रहे हैं और जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जी चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन ये देख रही है कि कैसे हम जो जातिगत समीकरण है क्या है कैसे है सब कुछ देख रही है। और समाजवादी पार्टी के कोटे में ये सीट आई है तो आपको पता है कि ये जो सीट पे यहाँ पे जो यादव बाहुल ओबीसी फैक्टर है बहुत काम करता, मुस्लिम मतदाता यहाँ काम करेंगे, तो ऐसी चर्चाएँ हो रही कि जैसे 2-3 लोगों ने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं और कुछ लोगों ने ब्राह्मण चेहरा भी उतार सकते हैं। माइनॉरिटी का तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी किसी माइनॉरिटी को यहाँ उतारेगी, तो ओवरऑल पूरा सीन बन रहा है देखा जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस तो यहाँ पर चुनाव लड़ेगी तो सहयोगी दल की वजह से प्रचार करेगी, और जहाँ तक बीएसपी की बात है तो बीएसपी क्योंकि ये सीटिंग यहाँ पे इनका एमपी रहा है और श्याम सिंह यादव गठबंधन में थे लेकिन इस बार गठबंधन नहीं है, तो अभी बसपा के पास भी समय है कि क्या होगा,
तो चुनाव की जो लड़ाई बड़ी दिलचस्प जौनपुर है, इसीलिए तो शिराज इन कहा गया है, और यहाँ का परिणाम एकदम अलग होता है, तो सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। यहाँ बिल्कुल, तो ये वरिष्ठ पत्रकार सुनैन कुमार दीपू जी थे जिन्होंने एक बार फिर से बताया कि सबकी निगाहें जो है जौनपुर सीट पर टिकी हुई हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज अभी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी धनंजय सिंह की, तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक खबर उनके समर्थकों के लिए है। और बात करें तो उनके परिवार की या उनके चुनाव लड़ने की, अभी किसी तरह की ये घोषणा जो है वो उनकी तरफ से नहीं आई है कि हाँ उनके परिवार का कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला है। फिलहाल अब देखना ये है कि उनकी याचिका पे सुनवाई होती है होली के बाद तो क्या फैसला आता है, हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ जजमेंट आता है, उसके बाद फिर लड़ाई यहाँ पे देखने लायक होगी। हालांकि अभी तक सिर्फ बीजेपी ने यहाँ पे अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, अन्य प्रत्याशियों के अभी मैदान में आने का इंतजार है।